किस्मत। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो मेहनत की न जाने कितनी कहानियों को निगल जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी की मेहनत की कहानी सुनाते हैं, उसके सफल होने की कहानी सुनाते हैं, तो हम एक शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उसका रीज़न ये है कि हम अपनी नाकामियों को छुपा रहे होते हैं। हम डर जाते हैं कि कहीं सुनने वाला ये ना कह दे कि यार उतनी मेहनत अगर तुम कर लेते तो क्या पता तुम भी वहाँ होते। तो किस्मत एक ऐसा शब्द है जो हम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हम दूसरों की सफलता की कहानी सुनाते हैं। तो ऐसी ही एक सफलता की कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, माय नेम इज निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। आज मैं अपने साथ एक नई कहानी लेकर आई हूँ, एक किताब के जरिए, जिसका टाइटल है डार्क हॉर्स एंड लिखी है नीलोत्पल मृणाल जी ने एंड पब्लिश्ड बाय हिंदुगम पब्लिकेशन। डार्क हॉर्स कौन होता है? डार्क हॉर्स वो होता है जो कभी गिव अप नहीं करता। अक्सर हम बचपन से ही कुछ सपने देखते हैं और लोगों को देख देख कर सीखते हैं। हम कोई अपना आइडल बना लेते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, या एक सपना चुन लेते हैं कि हमें यही सपना पूरा करना है। लेकिन जब वो सपना पूरा नहीं होता या हम वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं, तो हम गिव अप कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे लिए ये नहीं बना, अब मुझे कुछ नहीं करना है। बस सोचिए कि एक बच्चा पैदल चलना सीख रहा है और गिरने के बाद वो सोचे यार चलना मेरे लिए नहीं बना है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। तो डार्क हॉर्स वो होता है जो किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करता। अगर वो एक चीज़ में फेल भी हो जाता है तो वो दोबारा से कोशिश करता है, और किसी पॉइंट पर अगर उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, तो वो उस दिशा में कोशिश करता है जिसमें उसे लगता है कि यहाँ वो 100% पास हो सकता है या सफल हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं डार्क हॉर्स बुक की, जिसमें कहानी है संतोष नाम के एक लड़के की, जो बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक सपना लेकर आता है IAS बनने का। UPSC की कोचिंग में एडमिशन भी लेता है। बहुत सारे दोस्त उसे अलग अलग सलाह देते हैं, किताबें सजेस्ट करते हैं, कोचिंग सजेस्ट करते हैं, कोचिंग लेना भी शुरू कर देता है, पढ़ता भी है, मौज मस्ती भी करता है, क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव से आया था और अचानक से दिल्ली का माहौल देखकर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसके व्यवहार में, उसके बोलचाल में, उसके रहने के तरीके में। तो लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड बेसिकली। लेकिन आंखें जब खुलती हैं जब प्रीलिम्स में पहली बार फेल होता है। लोग दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं, पहली बार तो फेल हो ही जाते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिसका लास्ट अटेम्प्ट होता है और वो ये कहकर उससे मिल के जाते हैं कि यार किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, तो बड़ा सहम सा जाता है। पहली बार फेल होने के बाद पिताजी से दोबारा से पैसे मंगवाते हुए थोड़ा सा डरता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पैसे मांग लेता है। उसके बाद फिर से तैयारी करता है, लेकिन इस बार पूरे जी जान लगाकर पढ़ाई करता है। पर अफसोस, दूसरी बार में भी फेल हो जाता है। दूसरी बार में भी जब वो फेल होता है तो कुछ दोस्त जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, वो यही कहकर जा रहे होते हैं कि यार किस्मत में नहीं था, नहीं हो पाया, तुम भी ट्राई करते रहो, होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जब दूसरी बार भी फेल हो जाता है तो माँ भी फ़ोन पर कहती है कि यार पंडित जी ने बताया है कि बेटा तुम्हारे किस्मत में नहीं है IAS बनना, तुम्हारी कुंडली में ही नहीं है। उस वक्त वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। वो स्याही डालकर अपने हाथ की सारी रेखाएं मिटा देता है और फिर वो एक ऐसे रास्ते पर चलता है जहां पर वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। एकाएक संतोष अपने रूम से गायब हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद वो डिप्रेशन में चला गया है, या दूसरे अटेम्प्ट में फेल होने के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया है, या अब उसने UPSC की तैयारी करना छोड़ दिया है और वो ये शहर छोड़कर चला गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो IPS ऑफिसर बन चुका है। वो एक ऐसा डार्क हॉर्स था जिसने गिव अप नहीं किया था, जिसने लोगों की बातें नहीं सुनी कि यार किस्मत नहीं थी, सब लोग आते हैं 6-7 साल रुकते हैं, बार बार अटेम्प्ट करते हैं और चले जाते हैं। उसने अपना बेस्ट दिया, उसने इतनी मेहनत की कि उसने अपनी किस्मत की, अपनी कुंडली की लिखी हुई सारी चीज़ें बदल डाली। इसे कहते हैं डार्क हॉर्स। ये किताब की मैंने मोटी मोटी कहानी आपको बताई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये किताब पढ़ें, क्योंकि किताब आपकी लाइफ को जीने का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी, चीज़ों के बारे में सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगी। ये किताब ये नहीं बताती कि एक चीज़ जो आपने चुन ली है उसके पीछे आप पड़े रहिए। ये किताब ये बताती है कि हो सकता है जो चीज़ आपने चुनी हो, बेशक आपने उसके लिए पूरी मेहनत की हो, पर क्या पता आप उसके लिए न बने हों, आप दूसरी चीज़ों पर भी ट्राई कीजिए। सो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, और मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। छोटे छोटे हिडन मैसेजेस हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में दोबारा ट्राई करने पर मजबूर करेंगे। कहानी इतनी इंगेजिंग है कि एक बार आप पढ़ने लगे तो आप पलकें उठाकर दूसरी जगह देखने की हिमाकत ही नहीं करेंगे।
ओनली 176 पेजेस की ये बुक आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए काफ़ी है। और नीलोत्पल मृणाल सर की दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। पहली किताब का नाम है ओघट, जिसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। वो किताब एक सामाजिक बुराई पर लिखी गई है और ये किताब है जिंदगी में मेहनत पर। दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। आई रियली रियली लव दिस बुक एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू एवरीवन। प्लीज गो एंड ग्रैब योर कॉपीज नाउ फ्रॉम Amazon, एंड किताब को खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई कहानी एक नई किताब के साथ। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स।